नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हालांकि 19 विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मौके पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी और नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, जिसका इतिहास देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है और इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है। इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। अमित शाह ने आगे बताया, 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी। इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल यानी राजदंड ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह सेंगोल अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। उन्होंने बताया, सेंगोल की जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई, फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए।